नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस 11 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ओवरव्यू। तो सबसे पहले इसमें आपको राइट साइड में पावर बटन देखने को मिलता है, ठीक इसके ऊपर अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ देखें तो इसमें सेकेंडरी माइक्रोफोन और सेंसर्स दिए गए हैं। दूसरी सेट में आपको मिल जाता है एक वॉल्यूम रॉकर, और नीचे की तरफ आपको डुअल सिम ट्रे और प्राइमरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको एक कर्व डिज़ाइन देखने को मिलता है। इसलिए मैं देखे तो अपन को 6.7 इंच का क्वाड HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स इसमें 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। LTPO3 पैनल देखने को मिलता है। इसमें 1300 नीट की पीक ब्राइटनेस दी गई है, और इसमें सामने की ओर एक पंच होल कैमरा दिया गया है जो 16 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ दो ही वेरिएंट आते हैं, 12GB रैम और 16GB रैम। और स्टोरेज की बात करते हैं, इसमें 256GB और 512GB स्टोरेज के साथ आते हैं। स्पेक्स इसमें बहुत ही शानदार दिए गए हैं। 5000mAh की बैटरी है जो 100 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये सिर्फ चाइना में आता है, जब ये ग्लोबली जाता है सिर्फ ये 80 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। इसमें आपको एंड्रॉयड 13 देखने को मिलता है, पर जब इसमें अबाउट में देखते हैं तो ये कलर OS पे काम कर रहा है। पर आपको इंडिया में कलर OS नहीं मिलेगा, आपको पता ही है इंडिया में या ग्लोबली में इसे आप ऑक्सीजन OS के नाम से मिलेगा। इस मोबाइल में आपको डिजाइन परफॉर्मेंस और बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इस फ़ोन में आपको कैमरा बहुत ही अच्छे देखने को मिलता है जो हेजल ब्लेड के पार्टनरशिप के साथ बनाए गए हैं। यहाँ पर इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का इसमें प्राइमरी कैमरा है, साथ में है 32 मेगापिक्सल का कैमरा 2x ऑप्टिकल जूम के साथ आने वाला है। फिर आता है इसमें 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। सभी कैमराज में ऑटो फोकस दिया गया है। अगर इसमें 2x से बढ़कर 5x या 6x होता तो काफ़ी अच्छा होता। कैमरा ऐप में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। ये आप कैमरा शॉट देख रहे हैं, काफ़ी भी अच्छे दिए गए हैं। बस इसमें कैमरा में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए हैं, देखने से पता ही चलता है। बट सेल्फी कैमरा में काफ़ी कुछ कर सकते थे जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। बस फ्रंट कैमरे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसमें HD वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप 4G वीडियो रिकॉर्डिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते थे। रियल कैमरे में आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया है। यह फ़ोन काफ़ी पॉलिश दिया गया है जो काफ़ी अच्छा दिखने में है। इसमें आपको ओप्पो के भी कुछ एलिमेंट्स देखने को मिले हैं। बाय द वे, वन प्लस और ओप्पो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, इसलिए इंडिया में ये सेवेंथ फरवरी को लॉन्च होने वाला है। इसकी प्राइसिंग का अभी तो कुछ पता नहीं है, पर लगभग ये 60 और 65 के बीच में आ सकता है। यह है सब इस फ़ोन के बारे में, देखने में काफ़ी प्रीमियम है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।